आज जो रैली हुई है संविधान सम्मान के बारे में, हमारा कहना यही था कि दशमलव की जो बात की जा रही है कि जिसको बदला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ये आज से नहीं। ये दस्तूर का मामला तो 1950 में चंद महीने ही हुए थे, बनाया गया था उस वक्त, उसमें जबरदस्त तरीके से अमेंडमेंट किया गया 6 महीने के अंदर। 10 अगस्त 1950 को ही दस्तूर को तोड़ मरोड़ा गया और उसमें मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई। जो प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस निकाला गया था उसमें कहा गया था कि एससी की और एसटी की जो सहूलत है सिर्फ हिंदुओं को होंगी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली था। उसके बारे में कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई है। 1955 में वही उसमें अमेंडमेंट किया गया, 1990 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, पर उसके बाद में तो दस्तूर, हमारा कहना है कि दस्तूर को जो बरसर हुकूमत जिन 60 साल किया है उसने उसके टुकड़े टुकड़े और उसको सबसे ज़्यादा बदलने की हुई वही उन्होंने कोशिश किया है। आज दस्तूर का सम्मान करते हैं इसके लिए कि दस्तूर ने इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर काम दिया है। जिस तरीके से 340 के तहत ओबीसी को मंडल आयोग ने दिया है, उसमें कोई धर्म का सवाल नहीं होता है, तमाम मजाहब के रहने वाले उसके अंदर फायदा ले सकते हैं, पर जानबूझकर के ऐसे सर्कुलर्स और जीआर निकाले जाते हैं कि ये सब हिंदुओं को है, मुसलमानों के लिए नहीं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, गैर दस्तूरी है। इसके लिए आज हमने सम्मेलन सारे संगठनों को लेकर साथ।